अयोध्या में विराजे श्री बालक राम को समर्पित होगी 164वीं विश्व प्रसिद्ध रामलीला। रविवार को पताका यात्रा से होगा शुभारंभ। बरेली, श्री रामलीला सभा बरेली द्वारा नरसिंह मंदिर बड़ी बमनपुरी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें रामलीला प्रमुख विवेक शर्मा और पंकज मिश्रा ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला ज्योति होली के अवसर पर संपूर्ण भारत में एकमात्र बरेली जिले में ही होती है। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के आधार पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को शुरू होती है और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रामलीला का समापन होता है। ब्रिटिश शासन काल सन 1861 में शुरू हुई यह रामलीला तब से निरंतर होती चली आ रही है, जिसे सन 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया और सन 2015 में विश्व धरोहर घोषित किया। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसके अलग अलग प्रसंगों का मंचन अलग अलग मोहल्लों में, जैसे अगस्त मुनि लीला, अगस्त मुनि आश्रम छोटी बमनपुरी में, केवट संवाद लीला साहूकारा में, मेघनाथ बमनपुरी में, बलंका दहन मनुखपुर चौराहा पर होता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला 164वां वार्षिक उत्सव का शुभारंभ 18 मार्च 2024 रविवार को गणेश पूजन और पताका यात्रा से होगा और 6 अप्रैल 2024 को श्री राम राज्याभिषेक के साथ समापन होगा। श्री रामलीला सभा ब्रह्मपुरी बरेली द्वारा रामलीला के 164वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन भी किया गया, जिसके अनुसार ही रामलीला के कार्यक्रम किए जाएंगे। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। होने वाली रामलीला, जैसे हम सब जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है, जो एकमात्र ऐसी रामलीला है जो होली पर होती है। उसी के हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए, और हम समस्त पदाधिकारी यहाँ उनकी सेवा में है। ये 164वां श्री रामलीला का मंचन होगा इस बार, जो अयोध्या में 550 वर्ष विराजे बालक राम है उनको समर्पित होगी ये लीला, और उसी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुस्तक का विमोचन किया है सारे कार्यक्रम अनुसार। और अच्छे से अच्छा देव भव हो, आपके चैनलों के माध्यम से समस्त शहरवासियों को और विभिन्न लोगों को ये संदेश भी है और न्योता भी है कि वो इस रामलीला में आए और भव्यता को बनाए। 24 तारीख को भव होली, जो होली पर निकलती है राम बारात, वो निकलेगी। ये 164 वर्ष पुरानी रामलीला है। जो राम बारात हमारी निकलती है, ये हमारी बौनपुरी से शुरू होती है, मलुकपुर, बिहारीपुर, डाल, कुतुबखाना, घंटाघर, सामतगंज, फिर इधर कुतुबखाना चौराहे पे होते हुए, बड़ा बाजार होते हुए, कुमार पर होते हुए, फिर मलुकपुर में आकर समापन हो जाता है इसका। और इसको हम बहुत ही भव्य बनाने के लिए अब किसी साथियों ने, सबने, इसके जितने ही पदाधिकारी हैं और लोगों क्षेत्रवासी, सबने कमर कस रखी है। 164 में ये रामलीला ऐसी भव्य होनी चाहिए कि अभी तक जो नहीं हुआ वो हम और इसमें काम भव्यता के साथ करेंगे। कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, हमने सिर्फ इसमें LED लगाई थी पीछे पर्दे की जगह, तो इस बार भी कुछ हम इस तरीके से सोच रहे हैं। LED तो रहेगी, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हों कि लोग देखने आए उसको। रामलीला करने के लिए कहाँ से आ रही है? रामलीला हमारी अयोध्या जी से आ रही है। ब्यास जी हमारे आते हैं, वो लेके आ रहे हैं सारे कलाकारों को, और कलाकार भी कुछ हमने जो पिछली बार जो सही नहीं लगे तो उसको चेंज करा और बेहतर करने की कोशिश करी है। ये 18 तारीख से हमारी ध्वजा पताका के साथ यात्रा शुरू होगी और 6 तारीख को राज तिलक के साथ हमारा इसका समापन होगा। इसमें जो इस बार क्या नया रहेगा रामलीला में? नया ये है, हमने आपकी जो भी यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था थी वो सारी नए तरीके की लाइटिंग कराई है, LED लाइट लगवाई है, और जो हमारा रूट है उस पर भी हम लोगों ने शुरू से प्रयास करा कि जो हमें परेशानियां होती हैं वो परेशानी ना हो, उनसे प्रशासन को और सक्षम अधिकारियों को अवगत करा के हमने उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करा। और जहां जहां से हमारी शोभा यात्रा, हमारी 5 शोभा यात्रा निकलती हैं, जहां जहां से भी हमारी शोभा यात्रा निकलती है वहां के पार्षदों से हमने संपर्क करा, वहां के जन लोगों से, वहां के रहने वाले निवासियों से संपर्क करा, और इसको भव्य बनाने हेतु सभी लोगों से संपर्क करा, और उन्होंने जो है हमें आश्वासन दिया है कि जब ये आपकी राजगद्दी है, शोभा यात्रा जो निकलेंगी, इनको हम बनाएंगे और यही नया करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें हम अपनी पुत्रिका जो है मेयर साहब के माध्यम से देंगे और चाहेंगे कि क्या कहते हैं, हो सकता है उनका कोई प्रोग्राम, उनके किसी प्रतिनिधि का जो है वो 18 तारीख से लेके जो 5 तारीख तक, 6 तारीख तक हमारी रामलीला चलनी है उसमें उनका आगमन हो और उनकी
उपस्थिति दर्ज, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल थोड़ा सा नहीं हो पाया था, लेकिन चूंकि रोड ज्यादा ही खराब है, इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती, तो हमें यह आश्वासन दिया गया है उस पर इतना बढ़िया पैचवर्क करा दिया जाएगा जिससे कि जो है आपकी शोभा यात्रा निकलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बाहर से हमारी करीब 8-10 झांकियां हैं, वो कुछ बाहर की भी हैं, बाकी स्थानीय झांकी भी हैं। बैंड हमारे जो हैं इसमें 3-4 बैंड लगा रहे हैं आपकी हम, और करीब 25 के आसपास जो है वो हमारी झांकियां हो जाएंगी। उनके लिए पूरी व्यवस्था है भैया बैठने की। पहले हमारे लिए 50 कुर्सियां भी खाली रहती थी, आज पिछली बार हमारी 250 कुर्सियां पूरी भर जाती थी, इस बार हमने मैं सोफों के 500 कुर्सियां का इंतजाम कर रखा है जिससे कि बैठने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे जितने भी, जब हमारी रामलीला होती है तो जितने भी लोग यहाँ पे अपने स्टॉल या ठेले लगाएंगे, ना तो हमने उनसे आज तक कभी लिया और ना लिया, और इस बार भी उन लोगों को भी सुविधा दी जाएगी कि कोई रसीद उनकी नहीं कटेगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी लगाना चाहे उन्हें उचित समुचित व्यवस्था और उन्हें स्थान भी दिया जाएगा जिससे कि वो अपना कर सके।